आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह चार प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेत शिखर जी एवं श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेनुइनली मैं आज आके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक हो के वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है, पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और दो चार बीमारियां, एक दो जो इनको हैं, ये ठीक होके आएंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं, उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, मासिक सदस्यता 1000 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रुपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02122001011777, IFSC PUNB 00212100, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 01901003249, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो चिनवानी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। और खाने के बारे में लोग कहते हैं कि खाना नहीं छोड़ा जा सकता है रात का, आप डॉक्टर डॉल रूस का किरलियान की फोटोग्राफी, डॉक्टर डूल और रूस का एक और हुआ किरलियान, उनकी थ्योरी पढ़कर देखना। वो कहते हैं कि जो सोने के 6 घंटे पहले भोजन नहीं करता, वो जीवन में कभी भी स्वस्थ और सुखी नहीं रह सकता। आप समझ गए, क्योंकि आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब सांस लेता है तो क्या सीना उसका पंप करता है। आप कभी सोते हुए खुद को देखना है, कोई दूसरे को देखना, जब आप सोते हैं तो आपका पेट पंप करता है। क्यों? क्योंकि सारी ऊर्जा जो भोजन पचाने में लगनी थी, वो तो आपने पेट के खाने में पचाने में रात को लगा दी। अब आप स्वस्थ कैसे रहोगे? ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग, रात कटती जागरण में दिन में सो रहे हैं लोग। आज जीवन में सोच कर देखो, जितनी जितनी हिंसा और असंयम बढ़ा है, उतने मौत के कगार पर खड़े हैं। अभी ज़्यादा खुश मत होना कि
कि तुम्हारे बैंक बैलेंस, तुम्हारी सुरक्षाएं काम आएंगी। अभी आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, आज मौत के कगार पर बैठा है आदमी, क्योंकि कहते हैं रूस, चीन, जापान, सरस को ये भी आगे बढ़ता है, बढ़ जाए। जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा, सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। आदमी इतना हिंसक हो जाएगा कि आज इतनी योजनाएं बनाई है कि एक बार में 2,500 किलोमीटर तक मारक क्षमताएं प्राप्त कर ली। लोग कहते हैं हम पूरी दुनिया को नष्ट कर सके, ऐसे ऐसे एटम बम, परमाणु बम है। एक व्यक्ति ने हमें किसी दिन बताया कि माताजी आज पूरी दुनिया में इतने एटम बम है कि पूरी दुनिया को 170 बार खत्म किया जा सकता है। हमने कि पागलपने की भी हद है, जब एक बार में ही दुनिया खत्म हो जाएगी फिर 170 बार किसको खत्म करेगा। इतना दिमाग लगाना, हिंसा के प्रति इतनी उत्सुकता, एक को मार दे इतनी सुरक्षा के बाद भी दूसरा को मार देता है, और उस मरने के पीछे एक नहीं मरता है, उसके पीछे लाखों व्यक्ति मर जाएंगे, लाखों संस्कृतियां नष्ट हो जाएंगी। कोई देश पर, कोई चीन कहते हैं, कोई भी देश हो, आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे महान देश थे, एक एक परमाणु बम गिरा और तहस नहस हो गई। थैला चेले को दिया और कहा जमीन में मत रख देना, टांगे रखना। जब तक गुरुजी ऊपर चढ़ के थोड़े कुएं पर पानी पीने जाना, तब वो नीचे ही खड़ा रहा। उसने कहा गुरुजी कभी तो कहते नहीं थे, आज क्या होगा, बार बार कह रहे पानी पीने जा रहा हूँ, ठीक से रखना, ये करना। उसने लिया और थैले में दिखा रही सोने की ईंट है, उतनी बड़ी, वहाँ से दूसरी ईंट उठाई और वो ईंट वहीं पर गड्ढे में डाल दी। जब फिर चले थोड़ी दूर जाकर, फिर गुरुजी ने कहा कि डर तो नहीं है, बस्ती ठीक है कि नहीं, कोई चोर डाकेत तो नहीं है। उनने कहा कि गुरुजी चिंता मत करो, डर को तो हम पीछे फेंका है। उनने कहा मतलब, तो कहने लगे वो तो डर अब कुछ नहीं है, आप देख लो, चाहे विश्वास नहीं हो तो देख लो। गुरुजी ने देखा, उतनी वजन की ईट थी, लेकिन वो क्या थी, मिट्टी की सादा ईट थी। गुरुजी ने भी कहा कि अरे मैं भी कैसा पागल इस ईट को ढोता हुआ इतना वजन का समझ के यहाँ तक चलाया। उसने कहा गुरुजी तुम्हें बड़ा डर था, मुझे खतरा था कहीं तुम ही नहीं मर जाओ उस डर के चक्कर में, इसलिए मैं पीछे फेंकाया। गुरुजी ने कहा फिर अब क्या डरना, अब तो सो जाओ यहीं, समझ गए, अब यहीं सो जाओ, तो आप और हमारे जीवन में भी एक दो खतरे नहीं है, खतरे ही खतरे हैं। लोगों के लिए तुम अच्छी जिंदगी जीते हो, अच्छी भी कहाँ जीते हो, उसको कमाने में दुख, उसको रखने में दुख, उसको लगाने में दुख, और बाद में लगा भी जाओ तो नाम का दुख, पटिया नहीं हट जाए, ये पट्टा नहीं हट जाए। मैंने कही चिंता मत करना, ज्यादा पटिया की चिंता करोगे तो समझ गए आगे चल के उल्टे पटके जाओगे नरकों में। ज्यादा माला की चिंता करोगे तो माला मिले या नहीं मिले, कुत्ते वाला पट्टा जरूर मिल जाएगा, डला रहेगा गले में स्थाई कि तुम संतोष रखो। मैं ये नहीं कहती सम्मान नहीं होने चाहिए, सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान के योग दिल भी बनाओ जो कभी अपमान नहीं हो जाए दोबारा। एक बार ऐसा सम्मान प्राप्त करो कि तीन लोग तुम्हारा आदर करे, तुम्हारे पथ का अनुसरण करे, अनुगमन करे। इस भावनाओं के साथ बोली आदिनाथ भगवान, भोगों को क्या भोगा हमने, भोग हमें भुगताए गए, तू तो तृष्णा भई न बूढ़ी, हमें बुढ़ापा आए गया। कि वास्तव में तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है, ये मन एक उच्छृंखल घोड़ी की तरह है, क्योंकि घोड़ी की यदि सवारी करना आता हो तो घोड़ा मंजिल तक पहुंचा देता है, और यदि अनाड़ी व्यक्ति
जिसे सवारी करना नहीं आता उसे खड्डे में गिरा देता है, हाथ पैर टूट जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये इंद्रियां संतों को भी मिली हैं, ये इंद्रियां तुम्हें भी मिली हैं। किसी छत के नीचे संत भी रह जाते हैं, तुम भी रह जाते हो, और तुम भी भोजन करते हो, संत भी भोजन करते हैं। तुम भी चलते हो, संत भी चलते हैं। तुम भी बोलते हो, संत भी बोलते हैं। लेकिन वो बोलते हुए मौन रहते हैं, वो चलते हुए भी विराम में रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पैर के साथ साथ मन भी चलता है, और उनका मन विराम में रहता है और पैर अविराम चलते रहते हैं। क्योंकि कहा भी है कि संत बोलते हुए, चलते हुए, खाते हुए, देखते हुए भी कर्म बंद नहीं करता, क्योंकि प्रमाद से कर्म बंद होता है और वो अपमृत अवस्था रहती है। वो भोजन करते करते भी इसलिए भोजन नहीं करते हैं कि काया पुष्ट हो जाए, वो इसलिए भोजन करते हैं कि काया रूपी गाड़ी में बैठकर अपनी मोक्ष मंजिल तक पहुंचा जाए। आप पढ़ते हैं कि कैसा आहार लेते हैं, रस को पोषने के लिए नहीं, योग को, तपस्या को चलाने के लिए लेते हैं। क्योंकि कहा भी है तृष्णा कभी संतुष्ट नहीं होती है। आपने देखा कि जितनी तृष्णा बढ़ जाएगी, ज्यो ज्यो भोग मनोग मनोरथ मन वांछित फल पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लगर जगर की आवे, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग गनेरे, तो भी तनिक भये नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। और इतना ही नहीं कहा, कहते हैं भोग कैसे हैं, तो कहते हैं कि जहरीले नाग हो या आग हो, वो एक जन्म समाप्त करती है ये भोगों की तृष्णा। भव भवांतर में त्रास भी देती है, संताप भी देती है, अपमान भी देती है, और दुर्गति तक पहुंचा देती है। आपको पता होगा जो पद नारायण तीर्थंकर कामदेव बलभद्र, ये पद पाने वाला जीव कौन होता है? मुनि पद में जिसने उत्कृष्ट साधना की होगी वो इन पदों को पाता है। लेकिन भोगों की आकांक्षा बीच में आ जाए, निदान बंद आ जाए, तो भोग में रहते हुए योग नहीं ले सकता है। और राजेशु सो नरकेशु, छह खंड की विभूति हो या तीन खंड की विभूति हो, नियम से नरक पहुंचा देती है। चक्रवर्ती यदि तपस्या कर ले तो स्वर्ग और मोक्ष दो रास्ते हैं, और भोग में मर जाए तो नरक जाएगा। हमें क्या करना है? भोगों की बेड़ी है, आप रोज पढ़ते हो, पुण्य पाप फल माई अरक भी लिखो मति भाई, यह बुद्ध गल परे जाए उपज बिन से थीर नाई। ये पर्याय है। लोग कहते हैं क्या करें माता जी, हम तो कर्मों के बस में हैं। एक बार एक राजा ने क्रोधित होकर सारे लोहारों को खाई में फिकवा दिया और उनकी हथकड़ियों से उन्हें बांध दिया। हथकड़ियां तो लोहार ही बनाते हैं, फिर भी वो एक लोहार था जो विशेष प्रसिद्ध था, वो हंस रहा था कि कोई बात नहीं, हमें डाल दिया तो हमें हर हथकड़ी को खोलना आता है। लेकिन कुछ देर बाद वो चीख चीख कर रोने लगा। उधर से एक ज्ञानी निकला, कहने लगे क्यों रो रहे हो? कहने लगे मुझे अफसोस है, मैं हर कोई की बनाई हथकड़ियाँ खोल सकता हूँ, लेकिन मैं इतना प्रसिद्ध लोहार हूँ कि मेरी बनी हथकड़ियों पर एक मोहर लगा देता हूँ, पक्के लोहे की सील ठोक देता हूँ, उसे दुनिया का कोई कारीगर भी नहीं खोल सकता है, इसी की तो प्रसिद्धि है। लेकिन मुझे आज ये हथकड़ियाँ महंगी पड़ गई, मुझे क्या पता था कि मेरी हथकड़ियाँ बनाई एक दिन मेरे हाथ में पड़ जाएंगी और उसे कोई खोलने को समर्थ
नहीं होगा। उस ज्ञानी ने कहा, पागल तू रोने में जितना समय लगा रहा है, तुझे पता है कि तूने कहाँ लगाई है, उसका जोड़ कहाँ है? तू कोशिश तो कर, तेरी लगाई हथकड़ियों को कोई खोले या ना खोले, तू जरूर खोल सक। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह चार प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री समेत शिखर जी एवं श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेनुइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक हो के वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है, पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और दो चार बीमारियां, एक दो जो इनको हैं, ये ठीक होके आए हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं, उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, मासिक सदस्यता 1000 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रुपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120110117277, IFSC PUNB 00212100, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 01190100324299, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। कर्नाटक के हुबली